अस्सलाम वालेकुम। टेबल टॉक विद अलीशा एंड सैयद मामून जरी के साथ दूसरा मेज़बान सैयद मामून जरी आपकी खिदमत में। आज के हमारे मेहमान चचा रऊफ होंगे, आइए उनसे मिलते हैं। ए तू मेरे को चचा रऊफ का ही को बोलता? मेरा नाम सिर्फ रऊफ है। रऊफ क्या नाम है? रऊफ है, आइंदे चचा रऊफ बोलने का नहीं, बात करता है। अच्छा चले, आप मुझे ये बताएं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ। मैं पता ही क्या कर रहा हूँ, मैं बदमाशी कर रहा हूँ। बदमाशी? हाँ मैं बदमाशी कर रहा हूँ आजकल। पता है किधर करता हूँ? वो देखा है क्या नाम है अपना, वो जो बंदर रोड पे मिठाई का दुकान है, उसके नीचे खड़ा होकर बदमाशी करता हूँ। जो आता है उसका चमट पड़ता हूँ, जो बदमाशी करता है मेरे को उठा के फेंक देता हूँ उसको। एक दिन मेरे पास आ गया था वो ज़बरदस्त वहाँ का बदमाश, मैंने उसको पकड़ के इतना मारा इतना मारा, उसका मुँह टूट गया, समझा? बात करता है तुम, ऐसा बात नहीं करो, मैं तेरे को भी छोड़ देगा नहीं, समझा? चले मुझे ये बताएं कि आपने बदमाशी कब शुरू की? ए तू मेरे से ये पूछता है मैंने बदमाशी कहाँ से शुरू की? अरे यार मैं क्या बताऊँ तेरी को, एक दिन क्या हुआ, मैं उधर से जा रहा था, एकदम मेरे पीछे दो बाइक वाले लड़के आ गए, कहने लगे ए चचा ये पैसे निकालने का, ए तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, तू गेला तो नहीं हो गया है? मैं तेरे ऐसे चमाट लगाऊंगा ना तू मर जाएगा इधर ही। वो कहने का अरे गोली मार दूंगा तेरे को। मैंने कहा है तेरा दिमाग बिल्कुल वाकई खटिया गया ने, ये इसका पीपल मन का गोली समझता हूँ मैं, इसका गोली को रोजाना मैं खाता हूँ चार पांच, समझा? ये सुन के ना वो परेशान हो गए। वो पीछे वाला बोलता है अरे चाचा तू बहुत बड़ा बदमाश लगता है, भागो इधर से, कभी हम लोगों को मारे भी नहीं। बस फिर भाग गए। उस दिन से मैंने सोचा ए साला लड़का लोग तो मेरे से बहुत डरता है, तो मैंने कहा ठीक है बंदर रोड पे जाके बदमाशी करते हैं, तो मैंने बदमाशी शुरू कर दी। अरे आप मुझे ये बताएं कि आपने ऐसी कोई बदमाशी की है जिसमें आपको ये जुमला पढ़ने में दिल शुरू हो गया कि भाई दिल गार्डन गार्डन हो रही है, लबे टीढ़ी सा हो रही है भाई, बताइए जरा। मेरे को तो सोच सोच के हंसी आ रही है, ऐसा जबरदस्त वाक्य, ऐसा जबरदस्त वाक्य मैं तेरे को सुनाऊंगा। ए तू पाड़ी तो रख क्या कर, कैसा कहोगे तुम? ऐसा जबरदस्त वाक्य, ऐसा जबरदस्त वाक्य, ये तू सुन के मैं तू पागल हो जाएगा नहीं। एक दिन क्या हुआ, मैं इधर अपने मोहल्ले में खड़ा हुआ था, एक लड़का आया इधर मेरी बंदूक रख दिया, कहता है ओए चाचा पीछे निकाल वरना तेरे को गोली मार दूंगा। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, ये साला तू मेरे को गोली मारेगा? मैंने ऐसा करके देखा और मैंने उसका बंदूक को पकड़ा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ पता नहीं किस चीज़ का बंदूक है, मैंने ऐसे देखा तो देखा सामने रख के तो पता कौन सा बंदूक था। वो पानी का बंदूक था, खुदा की कसम मैं तो इतना परेशान होया नहीं। मैंने कहा ए उल्लू के पत्ते अपने घर का सारा पानी इसमें डाल के लिया, तू पागल है क्या, अकेला है? मैंने कहा चल लेके जाए, तेरी माँ परेशान हो रही होगी, उसको खाना पकाना होगा। तो मैंने उसको भगा दिया, वो बेचारा डर के मारे भाग गया। तो ये मेरे साथ एक वाक्य। आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया आया हो जो जिसको आप सोच के मतलब सोचने बर्बाद बार बार उसी वाक्य को सोचने लग जाते हैं? हाय आया आया ऐसा वाक्य आया। एक दिन क्या हुआ, मैं जा रहा तो दो बाइक पे लौंडे आए, मेरे को बोलने लगे ए चाचा जल्दी से मोबाइल निकालने का। मैंने कहा ए भाई बात सुने, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है। कहेगा मैं गोली मार दूंगा। मैंने कहा अच्छा नाटा भाई तेरी मर्जी है भाई, मेरे पास वो छोटा वाला मोबाइल था मैंने उठा के उसको दे दिया। मैंने कहा बेटा मेरे पास तो यही मोबाइल है तू ले ले। तो वो कहता है नहीं। फिर मैंने बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार ये अब क्या करेंगे, मेरे को गोली ना मार देवे।
आई मेरे पास तो गोली भी नहीं है, छर्रा वाला पिस्तौल भी नहीं है, लेकिन भारत वो बेचारे लड़कियों ने ऐसे करके देखा मोबाइल को, फिर मेरी शक्ल ऊपर से नीचे तक देखी, फिर कहने लगी ए चाचा तो यार क्या मोबाइल लेके घूमता है, तेरे को शर्म नहीं आती? मैंने कहा ए शर्म की क्या बात है यार, गरीब आदमी तो ऐसे ही मोबाइल लेके घूमता नहीं। कहने लगा अच्छा। उसने एक बड़ा वाला मोबाइल निकाला, आईफोन था, पता नहीं कौन सा था, मेरे को नहीं पता, लेकिन बहरहाल मेरे को दिया। कहता है ए चाचा ये रख, आज के बाद इससे बात करने का है, समझा? और यकी के वो लड़के चले गए। यार मैं सोचने लगा कि यार जरूरी तो नहीं है कि हर बदमाश लड़के, हर स्नीचर लड़के लोगों से मोबाइल लेते ही हो। अरे देखो ना मेरे को देख के गया नहीं, एक ऐसा अच्छा आदमी था ना। आपसे मेरा एक आखिरी ये सवाल है कि बचपन में आप क्या किया करते थे? ए बचपन की बात नहीं किया कर यार, मैं बचपन में बहुत शरीर होता था। मेरे अब्बा मेरे को बोलते थे एक हरारत का पूड़ा है, पूड़ा ये सब, ये जब देखो ये कुछ ना कुछ शरारत करता है, जब देखो ये कोई ना कोई शरारत करता है। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने घर में बैठा हुआ था, एक दिन मेरे को ख्याल आया कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैं साइकिल वाले की दुकान पे गया, उससे जाके कहा इसका टायर के अंदर जो लगा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, वो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूब। मैंने कहा ये भाई मेरे को ट्यूब देने का, उसने एक पुराना ट्यूब उठा के मेरे को दे दिया। मैं घर में आया, मैंने उसको कटिंग किया, वो लंबे लंबे पच्चे बनाए उसके, उसके बाद में एक ऐसा वाला क्या लाया, लकड़ी का टुकड़ा, फिर मैंने उसमें गोलेल बनाया। और गोलेल बना के मैंने क्या किया, नहीं एक गोलेल बनाया ने चुड़िया मारा, ने गोलेल बनाया ने चुड़िया मारा, ने गोलेल बनाया ने चुड़िया मारा, मैं सारा दिन यही करता था। नहीं गोलेल बनाता था चुड़िया मारते था, गोलेल बनाता था चुड़िया मारता था, बस यही कुछ करता था यार। मैं बचपन मेरा ऐसे ही गुजरा है। ये बाचू अभी तो ये साइकिल नहीं था इधर, ये साइकिल किधर से आ गया, ये किसका है? ये क्या हो रहा है जी, ये कैसा जादू है, ये कभी बंदा आता है कभी बंदा चला जाता है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ए भाई ये क्या हो रहा है, मेरे को बताओ ना। ये वही है जो आप समझ रहे हैं जनाब, टेबल टॉक का फिफ्थ पार्ट जो है। अबे चुप हो जा पापा, हमने फिनिश कर दिया है और ये हमारा टेबल टॉक का लास्ट पार्ट था। बहुत फटी आपकी सजा। कुछ तासुरात इनके लेते हैं यार, बकवास बंद करो। ये क्या था है? भाई मेरी तो जान निकल गई, मैं तो समझा मैं तो गया, मैं तो गया, मेरी सारी बदमाशी निकल गई। हे भाई जान, इसको सब्सक्राइब करने का, आप बेल आइकन दबाने का, और इसको आप लाइक भी कीजिएगा, और एक बात सुन ले, मेरे से ना बदमाशी नहीं करने का, नहीं तो मैं गुलेल बनाऊंगा, नहीं चिड़िया मारूंगा, और तेरे को पाड़ी का पिस्तौल से मारूंगा। तो जनाब जिन लोगों को हमारा टेबल टॉक का लास्ट पार्ट पसंद आया वो प्लीज लाइक करें, और शाहजाब आपको इस टेबल टॉक की सीरीज में कितना मजा आया? हाँ बहुत मजा आया। मतलब एक नई चीज थी, और सारी बात यह है कि भाई स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट किस तरह के बन रहे हैं, आप लोग कैसे स्क्रिप्ट बना रहे हैं। इसमें मैं पठान भी बन गया, इसमें मैं मेमन भी बन गया, इसमें मैं शायद पंजाबी भी बना, पंजाबी बहुत सारी चीज़ें बना, और जो हूज टॉक है उसमें तो मैं बहुत सारी चीज़ें बनाऊँ, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम लोग भाई बड़ा पूछ रहे हैं कि ये हूज टॉक का सीज़न 2 कब आएगा, क्योंकि हमने सीज़न 1 के 4 पार्ट करके फिर टेबल टॉक चला दिया, तो उनको बता दें टेबल टॉक सीज़न 1 के बाद हम सीज़न 2 होस्ट टॉक का बंद। हाँ इंशाल्लाह होस्ट टॉक का हम शुरू करेंगे,
और आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा, और नई नई चीज़ें लाएंगे और आप देखिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब करना ना बोलना वरना तेरे को बहुत मारूंगा गोले से, समझने के नहीं। चले, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।